राजस्थान के शाही अंदाज को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और राजस्थान की डेस्टिनेशन वेडिंग्स तो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर राधा जांगरा आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं इवेंट टीवी लाइव की नई सीरीज़ डेस्टिनेशन जयपुर में, ब्यूटिफुली कॉन्सेप्चुलाइज्ड एंड प्रेजेंटेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। और आज के हमारे खास मेहमान हैं इस सीरीज़ में, ऑनर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लोहागढ़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़, फाउंडली नोन एज राजा साहब, श्री भगत सिंह जी। कैसे हैं सर? फाइन, अच्छा। लोग राजस्थान की वेडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और अगर उन्हें राजस्थान में नहीं भी करनी होती और बाहर भी करनी हो तो बोलते हैं कि यार हमें ना कुछ राजस्थान टाइप का कुछ दे दो। ऐसा क्या है सर? मतलब राजस्थान राजाओं का स्थान, यहाँ का इतिहास बड़ा सुंदर है, यहाँ के आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है, और तो जिसके भी मन में शादी एक ऐसा सपना होता है हर बच्चे का कि राजकुमारी की तरह से शादी हो या एंजल की तरह से शादी हो, तो हर बच्चे का ही सपना होता है, तो वो यहाँ ही, और उसके माँ बाप का भी सपना होता है कि मेरी बेटी की राजकुमारी की तरह से शादी करूँगा, तो उसके लिए राजस्थान ही आते हैं लोग, क्योंकि धरती ऐसी है, राजाओं की धरती है। इसलिए यहाँ पर देखो, अमेरिका तक के कौन से हॉलीवुड के सेलिब्रिटी थे, वो उदयपुर में आके शादी कर रहे हैं, जोधपुर में शादी हो रही हैं, जयपुर में शादियाँ हो रही हैं, इसलिए राजस्थान में बहुत शादियाँ होती हैं। लोहागढ़ फोर्ट की भी वेडिंग्स बहुत पॉपुलर हैं, तो कुछ आप बताना चाहेंगे कौन कौन सी कैसी कैसी वेडिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं यहाँ पे? बहुत शानदार शादियाँ हुई हैं। वाकई में हर धर्म की अपनी अपनी कल्चर होती है, सिंधियों की अलग होती है, पंजाबियों की अलग होती है, सरदारों की अलग होती है, जैनियों की अलग होती है, तो हर धर्म को की पालना करने वालों की वेडिंग देखने का यहाँ मेरे को अवसर मिला। आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे, कोई पर्टिकुलर सवाल? जो अपना ऑडियंस है ये सारे लोग वेडिंग इंडस्ट्री से हैं, आगे आने वाले टाइम में वेडिंग्स में काम करने वाले लोग हैं, और कुछ लोग ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं, तो कुछ आप अपने टिप्स अगर इनको देना चाहें जिंदगी के। सर, मेरा नाम विशाल शर्मा, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट के डायरेक्टर पार्ट्स को लीड करता हूँ। मेरा सवाल ये है आपसे, हम लोग बच्चों को स्टडी कराते हैं इवेंट मैनेजमेंट की, बहुत सारी चीज़ें हमने डिफरेंट देखी हैं, जैसे आपने पीछे अपना कॉटेज ऑफ रूम बनाए हुए हैं, एक जो जयमाल का स्टेज आपने जो बनाया हुआ है वो बहुत खूबसूरत है, पीछे जो पीपल का पेड़ लगा है उसके पास का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये सब चीज़ें पहले से डिज़ाइन कॉन्सेप्ट में थी या आपने आके खुद उनको रिनोवेट करके डिज़ाइन कराया उसको? जब आप कुछ बनाने जाते हैं तो पूरी दुनिया की कायनात आपके साथ में आपका साथ देती है, कुछ ऐसा ही इस पावन धरती की कहानी है। आया था फार्म हाउस बनाने के लिए और ज़मीन खरीद ली, ये स्टोरी सुन के जो यहाँ की लोकल जो कहानी थी, और बनाना स्टार्ट कर दिया, और ये पिछले 13 साल से बनी रहा है, अब जाके कंप्लीट हुआ है, तो 13 साल लगे इसको बनाने में, पौधे लगाए वो बड़े हुए, हजारों पौधे लगाए यहाँ पर, वो सबसे खास मैं बात मानता हूँ इस धरती की। तो हर सफलता के पीछे सतत प्रयास एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि आप लोग कुछ सीखना चाहो तो। और फिर ये कैसे इतना सुंदर बन गया, उसमें भी एक सीखने लेने लायक बात है। सो आई वुड से थैंक यू राजा साहब, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया इतना बिजी शेड्यूल के बाद, आपकी तबीयत भी थोड़ी नासाज थी, बट फिर भी आपने हमें बहुत अच्छे से अपनी पूरी स्टोरीज़, अपने लोहागढ़ की स्टोरीज़ को बहुत अच्छे से बताया, एंड वी लुक फॉरवर्ड आवर ऑडियंस टू विजिट द प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच, कीप कनेक्टिंग इवेंट टीवी लाइव ऑन दिस ब्यूटिफुल सीरीज़ कॉल्ड डेस्टिनेशन जयपुर।